नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मोतिहारी के पिपरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। चकिया डीएसपी शरत आरएस ने मीडिया को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा थाना अंतर्गत बेदीवन मधुवन गांव के पास सरस्वती पूजा विसर्जन में एक युवक को पुलिस ने लोडेड देसी पिस्टल के साथ पकड़ा है। वह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने वाला था। विधि व्यवस्था समस्या भी उत्पन्न कर सकता था। इसकी सूचना पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चकिया को दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंच सत्यापन के बाद बेदीवन मधुवन के पास पहुंची, जहां एक युवक पुलिस को देख भागने लगे। युवक को पकड़ा गया, जिसका नाम पवन कुमार, उम्र तकरीबन 20 वर्ष है। पिता नवल किशोर प्रसाद ग्राम बेदीवन मधुवन थाना पिपरा जिला पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। हथियार को जब्त कर पुलिस पूछताछ करके मामले की जांच कर रही है। मिला आइए आपको कि सुन। विसर्जन के सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान एक लड़के के पास एक हथियार के साथ घूम रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन सचिव को मिला है। तो सचिव ने तुरंत कार्रवाई की और बड़ी अच्छी तरह से उसको ऑपरेशन को किया और एक लड़का पकड़ाया गया हथियार के साथ, पिस्टल के साथ। किस पिपरा थाने का थाने का है, नाम का खुलासा किया जाता है? बेदीवन मधुबन के आसपास से ही इसको पकड़ाया गया है और इसका नाम है पवन कुमार। कोई उसका पिता का नाम नवल किशोर प्रसाद, बेदीपन मधुबन थाना पिपरा जिला उधर का ही रहने वाला है। तो इसके हाथ से ही इसके कमर से ही एक्चुअली मिला है इसको। पुलिस को देखे भागना शुरू किया, पुलिस ने पीछा करके इसको पकड़ा और उसके हाथ से कमर से ही मिला है। इसका कोई आपराधिक इतिहास पहले का भी सर? अपराधिक इतिहास भी हम देख रहे हैं, कुछ है पहले अपना थाने पे नहीं है, बाकी थाने से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। बरामद की में क्या कर रहा था हथियार लेकर? नहीं, वो तो ये वाला सरस्वती पूजा के वो ग्रुप है ना, उस पर घूम रहा था, तो कुछ करना करने का प्लान कर रहा था वो। अभी हम थोड़ा ज़्यादा पूछताछ घटना में कोई संलिप्तता स्वीकार किया है? घटना थी किसी किसी घटना में घटना में कोई संलिप्तता स्वीकार? नहीं, यहाँ पे अभी कुछ गर्दे नहीं है, तो फायरिंग के लिए भी हो सकता है, तो हम पूछताछ के।